हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्योर वेज विद आरती। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम बनाने वाले हैं आज यहाँ बची हुई पकौड़ी की एक रेसिपी। तो यहाँ मैंने पकौड़ी को कट कर लिया है और एक पैन लिया है, उसमें ऑयल गर्म होने को रख दिया था पहले ही। यहाँ लिया है मैंने ज़ीरा, थोड़ी सी हींग और नॉर्मल जो मसाले हम घर में यूज़ करते हैं ना, सिर्फ वही। तो हींग ज़ीरा मैंने यहाँ डाल दिया है। तो हींग ज़ीरे को अच्छे से भून लेंगे और जब इसमें एक अच्छी खुशबू आने लगे तो हम यहाँ डाल देंगे धनिया पाउडर। तो 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर यूज़ किया है मैंने और 1/2 चम्मच हल्दी का यूज़ किया है। तो हल्दी का यूज़ हमें कम ही करना है क्योंकि पकौड़ी में ऑलरेडी हमारी थोड़ी हल्दी डली हुई थी, तो मैंने हल्दी यहाँ पे डाल दिया है। और सारे मसालों को अच्छे से भून लेंगे हम। तो गाइस, बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनने वाली है ये, और घर में जब बच जाती है पकौड़ी तो उसे आप ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने एक टमाटर को क्रश कर लिया था, मतलब कद्दूकस कर लिया था बारीक बारीक, और उसको मैंने यहाँ पर डाल दिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक कि हमारा मसाला ऑयल ना छोड़ने लगे, तब तक हम इसको भूनेंगे। तो आप देख सकते हैं मसाला अच्छे से भून रहा है हमारा। तो गाइज़, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो देखिए मेरा मसाला यहाँ भून रहा है और अब मैं यहाँ डालूँगी जो थोड़ा सा बेसन का चूरा बचा हुआ था जो पकौड़ी बनाते हुए बच जाता है वो। तो इससे क्या होगा कि हमारी सब्ज़ी में एक गाढ़ापन आएगा, थिकनेस आएगा, क्योंकि ये बेसन का ही चूरा है बचा हुआ। तो इसे हम डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स हमें ज़रूर बताइएगा। तो मसाला भुन चुका है, अभी मैं यहाँ पर 2 कटोरी पानी का यूज़ करूँगी क्योंकि देखिए बेसन है तो बेसन जब पकता है तो और गाढ़ा हो जाता है वो। तो इसलिए मैं यहाँ पर 2 कटोरी बेसन का यूज़ कर रही हूँ और 2 कटोरी पानी। तो 2 कटोरी पानी मैंने यूज़ किया है। अगर आप ज़्यादा इसको मतलब पतला सब्ज़ी खाना पसंद करते हैं तो आप थोड़ा पानी की क्वांटिटी ज़्यादा कर दीजिए। और टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ नमक डाल दिया है क्योंकि ऑलरेडी मैंने पकौड़ियों में भी नमक डाला हुआ था। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दीजिए। अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो वो भी आप ऐड कर दीजिए, मिर्ची वगैरह। और इसको 5 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि पानी हमारा अच्छे से पक जाए ये। तो गाइस 5 मिनट हो चुके हैं, हम देखेंगे अपना पानी। तो देखिए पानी कितने अच्छे से बॉईल हो रहा है, अच्छे से पक चुका है एकदम। इसको चला देंगे एक बार अच्छे से, देख सकते हैं आप। और जो हमने कट करके पकौड़ी रखी थी वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। आप पकौड़ी को अगर काटना नहीं चाहते हैं तो आप ऐसे ही डाल सकते हैं उनको। तो पकौड़ी बनाने का हर किसी का साइज़ अलग होता है, कोई स्लाइस में बनाता है, कोई गोल पीसेस में बनाता है। तो अगर बड़े पीसेस हैं तो आप उनको कट करके यूज़ कीजिएगा। और इसको ढक देंगे हम। देखिए कितने अच्छे से कलर इसमें एक आ गया है। और यहाँ पे मैंने यूज़ किया है बस 2 चम्मच दही का। तो दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया था, 2 छोटी चम्मच दही का यूज़ किया है। तो इससे क्या होगा कि खट्टापन सा आएगा हमारी सब्ज़ी में, जो बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही अमेजिंग लगता है। आप बनाइएगा ज़रूर और ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा ज़रूर। ऐसे ही न्यू ट्रिक्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस सब्ज़ी को हम 2 मिनट के लिए पकने देंगे क्योंकि आलू ऑलरेडी पके हुए हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे ये पकने में। तो देखिए सब्ज़ी मेरी बन के बिल्कुल तैयार है, आप देख सकते हैं। तो ये लग रही है आपको कि ये हमने यहाँ पकौड़ी की सब्ज़ी बनाई है, नहीं लग रही ना? बिल्कुल जैसे पापड़ की सब्ज़ी बनाते हैं ठीक वैसे ही लग रही है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। तो देखिए हमारी सब्ज़ी का कलर एकदम अच्छे से पक के तैयार है और मसाला अच्छे से मिल जाए। 1 मिनट के लिए ढक देंगे और देखते हैं फिर। तो देखिए सब्ज़ी अच्छे से हमारी बन चुकी है बिल्कुल। तो लग रही है ना एकदम अच्छी टेस्टी सी रेसिपी। तो आप चावल, पूरी, पराठा किसी के भी साथ इसको सर्व कीजिए। तो यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया है और उसमें मैं इसको ट्रांसफ़र कर लूँगी। यहाँ देखिए
सब्ज़ी का कलर तो बहुत ही गजब लग रहा है, तो मैं सारी सब्ज़ी को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लूँगी। आप देख सकते हैं, और यहाँ पे हम थोड़े से कटे हुए धनिया पत्ते का यूज़ करेंगे। जब आप सर्व करें तो थोड़ा धनिया पत्ता ऊपर से डाल दें। तो देखिए बन गई ना एकदम क्विक सी फटाफट इंस्टेंट रेसिपी। तो ऐसी ही न्यू रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। लुक सो ब्यूटीफुल, वाओ। तो मैं तो बना के इसे खाने वाली हूँ, आप कब बना रहे हैं मुझे बताइएगा ज़रूर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।